नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाक्षी दीक्षित और आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि देश के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी चीन के किंघई प्रांत में दुनिया की पहली तिब्बती भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। इससे प्रजातियों की प्रजनन क्षमता में सुधार की उम्मीद है। उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मंगलवार को पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 मार्च को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी हिमपात की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत आंधी पानी और ओले के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल के बीच सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान किया। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सीएम की कार्य प्रणाली से कई विधायक नाराज हैं और हालत ठीक नहीं है। भारतीय नौसेना एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गुजरात के कच्छ से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। पकड़ा गया ड्रग्स 3100 किलो है। भारतीय उपमहाद्वीप में नशीले पदार्थों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है। इस ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 546.7 अंक लुढ़ककर 72,549.15 जबकि निफ्टी 169.15 अंकों की गिरावट के साथ 22,029.20 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को पिछले साल जून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। यूपी में 15 आईएएस अफसरों के तबादला किए गए हैं, जिसमें रजनीश दुबे राजस्व परिषद के नए चेयरमैन बनाए गए। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव सहकारिता, साथ ही प्रमुख सचिव कारागार भी बने रहेंगे। बीएम मीरा प्रमुख सचिव उद्यान एवं रेशम बनाए गए। रविंद्र कुमार प्रमुख सचिव पशुधन दुग्ध विकास नियुक्त किए गए। विमल दुबे मंडलायुक्त अलीगढ़ बनाए गए। चैत्री वी मंडलायुक्त झांसी बनाई गई। मनोज कुमार सिंह से उद्यान विभाग का चार्ज हटा दिया गया। पी गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव राजस्व बनाए गए हैं। बलकर सिंह नए आवास आयुक्त बनाए गए। आदर्श सिंह आबकारी आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। रणवीर प्रसाद एमडी विद्युत उत्पादन निगम बनाए गए हैं, जबकि राजशेखर को एमडी पेयजल मिशन ग्रामीण बनाया गया। चेन्नई के कोयम्बेडू में स्थित एक फेमस मस्जिद और मदरसे को बहुत जल्द बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके चेन्नई में बनाई गई मस्जिद और मदरसे को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरीके से दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोयम्बेडू स्थित मस्जिद अवैध संरचना है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती की करीबी गुड्डू जमाली ने आज बीएसपी के दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अखिलेश यादव उनको विधान परिषद में प्रत्याशी बना सकते हैं। इसी तरीके की फटाफट खबरें देखने के लिए अवरल टाइम्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।